जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मूवी सुनता है। किसकी थी? बलू, बघीरा। मैंने ये आवाज पहले कभी नहीं सुनी। ओ, लगता है सालाना मोर मीटिंग हो रही है, जिसमें सभी मोर इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे को लुभाते हैं और बरसात आने से पहले अपने साथ ही ढूंढ लेते हैं। इनका ऐसा चिल्लाना तो अब चलता ही रहेगा। वैसे ये मीटिंग देखनी चाहिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं है मोगली। ओ, सालाना मीटिंग है, देखना बनता है। तुम्हें देखना है तो जाओ, लेकिन हम तो सोने जा रहे हैं। हाँ। ओ, ये तो मोर है। इंसानी बच्चा, ये तो मोर से भी स्वादिष्ट है। शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। क्या बचाई? तुमने जान बचाई मेरी, मोगली की। ओह हेलो, मैं हूँ पावो। ओह शुक्रिया पावो, आज तुम नहीं होते तो शेर खान मुझे कच्चा चबा जाता। शेर खान कहाँ है? यहाँ से निकलते हैं वरना ये उड़ जाएगा। तुम्हें साफ नहीं दिखाई देता है ना? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हाँ, सही कहा, मुझे ज्यादा दूर का नजर नहीं आता। अच्छा, तुम भी सालाना मोर मीटिंग में जा रहे हो? मुझे वो देखने का बहुत मन है। जा तो वही रहा था पर रास्ता भटक गया। अगर मैं लेट हुआ तो मेरी दोस्त मीना उस अकड़ू फूला के साथ चली जाएगी जो बहुत ही हैंडसम है, और मुझे मेरी दोस्त कभी नहीं मिलेगी, और मैं तुमने मुझे शेर खान से बचाया तो क्यों ना मैं तुम्हें तुम्हारी दोस्त, क्या था उसका नाम? मीना। भागो। अब कहाँ? शायद हम बहुत आगे आ गए हैं। आखिरी मीटिंग चल कहाँ रही है? अरे हाँ, वो देखो, वो रहे सभी मोर। हो गया था पर मेरा दोस्त मोगली मुझे यहाँ ले आया। तुम बहुत खूबसूरत हो मीना। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है पावो, है ना मीना? पीछे मत हटो पावो, अब वक्त है अपनी मीना को वापस पाने का। मैं यहाँ हूँ पावो। ना ही स्टाइल, ना ही कोई रंग, और ना इसे दिखता है, इसे भूल जाओ मीना। सही कहा उसने,
जिस मोर को कुछ दिखता ही नहीं और जिसके पास कोई कलर ही नहीं तो उसे क्यों वो अपनाएगी? ऐसा मत कहो दोस्त, तुम तो बहुत ही खास सफेद मोर हो, तुम्हें तो खुद पर नाज होना चाहिए। और तुम जंगल में सबसे तेज चिल्लाते हो। मैं सबसे तेज तो नहीं चिल्लाता, हाँ पर मैं तुमसे तो अच्छा चिल्ला सकता हूँ। चलो फूला, डांस मुकाबला हो जाए तुम्हारे और मेरे बीच में। तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा पाओगे? हाँ क्यों नहीं फूला। हाँ तो ठीक है। इससे बेहतर कर सकते हो क्या पावो? अरे नहीं। तुम कर सकते हो पावो? अच्छा वहाँ देखो। कहाँ? ओह सॉरी, वहाँ मीना है, तुम्हें स्माइल दे रही है। सच में? ठीक है पावो, पर मजा नहीं आया। पीछे पीछे यहाँ तक चला आया। अरे नहीं, मुझे इसका खाना नहीं बनना, मुझे बचाओ। देखा कितना बड़ा डरपोक है ये फूला। हाँ वही तो। तो अब हम साथी हुए ना मीना? नहीं पावो, मैं नहीं बन सकती। तुम्हारी वजह से शेर खान हमारी मीटिंग तक आ गया और अभी हम खतरे में हैं। पहले इसे यहाँ से भगाओ, तब मैं कुछ सोच सकती हूँ। नो टेंशन पावो, हम मोर की आवाज निकाल कर शेर खान को यहाँ से भगा सकते हैं। अच्छी है पर और ओरिजिनल निकालो। कहाँ छुपा है डरपोक मोर कहीं के? अब मैं क्या करूंगा मोगली? सोच रहा हूँ, सोचने दो। अरे हाँ आइडिया। चलो पावो अपने पंख फैलाओ। मुझे पता है तू यहीं आसपास कहीं छुपा है। तुम्हें दोबारा देखकर खुशी हुई इंसानी बच्चे? तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते शेर खान, क्योंकि जंगल की आत्मा मेरी रक्षा कर रही है। क्या कहा? जंगल की आत्मा? मेरी मदद करो जंगल की आत्मा। अरे नहीं, वो सब चले गए। हम यहाँ हैं पावो, शेर खान से बचकर छिपे हैं। हमारा प्लान काम कर गया, पावो ने उसे डरा कर भगा दिया। सच में? मेरी हीरो।
इसका मतलब तुम? हाँ पावो, हम दोनों अपना जोड़ा मनाएंगे। अरे वाह! ओ पावो। खुशबू, किस्मत जागने की खुशबू। मेरा दिल कह रहा है आज उस इंसानी बच्चे मोगली का काम तमाम हो ही जाएगा। मेरी नाक गलत हो ही नहीं सकती, वो इंसानी बच्चा पास ही है। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि गीदड़ पर भरोसा कभी मत करना। नहीं, कभी भी नहीं। अब तुम तबैकी को ही ले लो, उसकी हंसी के पीछे उसका शातिर दिमाग चीखे मारता है। भूल के भी उसकी मुस्कान से धोखा मत खाना। गीदड़ पे तो उसके घर वाले भी भरोसा नहीं करते। बेहतरीन, इंसानी बच्चा सो रहा है और ये सनकी भालू अपनी दुनिया में खोया है। एक बार उस टबैकी के बच्चे ने मुझे भी बनाने की कोशिश की थी। कह रहा था आम के पेड़ पर शहद का छत्ता है। मैंने कहा बेटे तुझसे पुराना हूँ इस जंगल में। मैं समझ गया था बेवकूफ बना रहा था मुझे। तभी मैंने कहा, जल्दी मेरे साथ चलो। क्या हुआ? ओ मोगली, तुम फिर से सो गए थे ना? मैं सोया था? नहीं, मुझे तो याद नहीं आ रहा बलू। लगता है आज बात नहीं बनेगी। बलू मेरी बात तो सुनो। बगीरा, कितनी बार तुमसे कहा जब मोगली के लेसन चल रहे हो तो बीच में मत आया करो। पर किसी ने जाल बिछाया है। क्या कहा? जाल? कहा? किसने? मैं बगीरा, तुम हर बार मजाक करते हो मगर आज नहीं। मजाक नहीं कर रहा, एक जाल बिछाया है झरने के पास। जंगल में शिकारी है। झरने के पास? हाँ, जनाब शेर खान ऊपर वाला मेहरबान है, मौके पे चौका मार देते हैं। जमीन पे गड्ढा बनाया है, मैं गिरने ही वाला था। बलू, हमें किसी के उसमें गिरने से पहले कुछ करना होगा। इंसान भी ना, गीदड़ से कम नहीं। उन्हें पता है सभी जानवर झरने की तरफ चक्कर लगाते हैं। मोगली, कभी कभी हमें इंसानों से भी बचकर रहना पड़ता है। बलू, अपना भाषण बंद करो और जल्दी मेरे पीछे चलो। ये भाषणबाजी नहीं है, मैं मोगली को ज्ञान दे रहा हूँ। अच्छा खासा जाल बिछा है। लो पहुंच गए। अब बताओ भी कहाँ है तुम्हारा वो जमीन का गड्ढा बगीरा? वो यही तो था। नहीं नहीं, न जाने कब से इस मौके का इंतजार था। अगर ये इंतजार मोगली का है तो मैं उसे पूरा नहीं होने दूंगा। अब रहने भी दो बल्लू, मुझे नहीं लगता तुम्हारी उम्र अब लड़ने की है। अभी दिखाता हूँ मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अरे नहीं बल्लू। थोड़ी देर यही आराम करना बेहतर होगा बल्लू। इंसानी बच्चे, तुझे आराम से बैठने नहीं दूंगा। तुम जाओ मोगली। बीच में मत आ बगीरा। आज बचकर जाने नहीं दूंगा। देखते हैं। लगता है तुम भी बूढ़े हो रहे हो शेर खान। आज तुमने बड़ी ऊंची छलांग लगाई है बच्चे। सपने देखना छोड़ दो। आराम से शेर खान, इतनी भी जल्दी क्या है? ये चूजा कहीं भी जाएगा वापस जरूर आएगा। अपने दोस्त को गड्ढे में छोड़कर कहीं नहीं जाएगा और इस बार शेर खानों से कच्चा चबा जाएगा। बलू, तुम ठीक तो हो?
इतने छोटे गड्ढे में इतनी बड़ी जान कैसे ठीक रहेगी। खैर छोड़ो, मोगली कहाँ है? वो आ गया। कौन, मोगली? नहीं, शेर खान। जाओ बगीरा, मोगली को ढूंढो और उसकी हिफाजत करो। बलू, अंदर चाय ठंडा भिजवा तू। नहीं, वैसे कुछ ही देर में तुम्हारा वो इंसानी दोस्त तुम्हारी मदद करने के लिए वापस आएगा। इस बार उसके आते ही माफ करना का, मैं झूलती बेल हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम तो सांप ही लगते हो, वो भी एक स्मार्ट और हैंडसम सांप। किस्मत वाले हो, इस हफ्ते का खाना मैं खा चुका हूँ। का, बलू मुसीबत में है, वो एक गड्ढे में गिर गया है, एक शिकारी गड्ढे में, और वो शेर खान। वो धोखेबाज शेर खान वहाँ क्या कर रहा है? अरे उसी की वजह से तो बल्लू उस गड्ढे में गिरा। ऐसा क्या? बल्लू भी हमेशा उस शातिर के चक्कर में फंसता है। मुझे उसे बाहर निकालना है। का, तुम मदद कर सकते हो? मैं शेर खान का दोस्त नहीं हूँ, न ही तुझसे प्यार है। देखता हूँ क्या मूड बनता है मेरा। तुम्हारा शुक्रिया का। अब आप ही जा इंसानी मुर्गे, तेरा दोस्त तड़प रहा है। एक बार बाहर निकाल फिर बताता हूँ। खुद को काबू में रखो जनाब बलू, तुम्हारा दोस्त आता ही होगा, उसे खा के निकल लूंगा। कायर बुजदिल मक्का कहीं का। थोड़ा धीरे बोलो, कहाँ ने कहा वो मदद कर सकता है? कैसे? मुझे नहीं पता, पर जब तक ये शेर खान गड्ढे के पास है वो कुछ नहीं कर सकता। इसे यहाँ से दूर ले जाना ही होगा। वाह सही बोला, कैसे? वो हम क्यों ना हम उसे। तुम्हारे दिमाग में कुछ उलझ रहा है? मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा। बगीरा, मेरी पूंछ जल गई। तो ये बात है, ये देखो, ये बलू के चश्मे है ना, इनसे सूरज की किरणें एक जगह इकट्ठी हो जाती है और जलाती है। अब ये सोचो बगीरा, शेर खान दुनिया में सबसे ज्यादा किससे डरता है? इंसान से। इंसान से भी ज्यादा किससे? आग से। बिल्कुल सही, आग से। कभी कभी लगता है ऊपर वाले तेरा क्या जाता, अगर मुझे भी एक दो पैर दे देता। इतना डर क्यों रहे हो बगीरा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम अपना ख्याल रखना, मैं नहीं आ सकता। मुझे तो लगता है तुम्हारे दोस्त ने बचपन की यारी एक गड्ढे पे दे मारी। ये दुर्गंध, ऐसा लग रहा है कहीं आग लगी है। आज तू नहीं बचेगा, ये आग की ढाल भी मुझे रोक नहीं, नहीं दूर रहो मुझसे। सारी हेकड़ी निकल गई शेर खान के बच्चे, आ जा खा मुझे। दूर रखो इससे, चलो इसे बुझा दो, मैं तुम्हें जानने दूंगा। झूठी बातों से मन मत बहलाओ। बलू, मोगली ने कहा तुम किसी मुसीबत में हो। का, तुम आए हो क्या? नहीं तो क्या बीन बज रही है? चलो अब कस के पूंछ पकड़ लो मेरी। भाग देगा क्या मुझे? भाग जाओ शेर खान, वरना भरता बना दूंगा तुम्हारा। अरे नहीं। कहते हैं तकदीर बदलते देर नहीं लगती। ये क्या बलू, तुम इस जंगल में पेड़ से ज्यादा बलू के दोस्त हैं, समझा? और अब शेर खान भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। हम दो और तुम अकेले, बहुत ना इंसाफी है ये।
आज का दिन मेरा नहीं था इंसानी बच्चे, पर हर दिन किस्मत सिर्फ तेरा ही साथ नहीं देगी। हाँ, शुक्रिया बलू, और तुम्हारा भी बगीरा। ये लो, आज के हीरो ये चश्मे ही है, इन्हीं की वजह से मैं शेर खान को दूर ला पाया। आखिर है किसके। अब चलो, हमें इस गड्ढे को जल्द से जल्द भरना होगा, वरना कोई दूसरा जानवर भी इसमें गिर सकता है। आहा, कार। आज अगर तुमने मदद ना की होती तो। वही तो बड़ी गलती कर दी मैंने, मेरी कमर में लचक पड़ गई। बल्लू के बच्चे, एक तो पहले इतनी लंबी कमर है। ओ, मामी। ये है जाम।